हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद केस लॉज एंड अमेंडमेंट्स। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की, लेकिन एक सेकंड, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। कास्ट के बेस पे तो मिलता है ना, लेकिन रिजर्वेशन वो कैसे मिलता है? वो ऐसे मिलता है कि देखो, अपन ने आर्टिकल 14 में पढ़ी थी दो चीज़ें, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों ही चीज़ें आर्टिकल 14 के अंदर इंक्लूडेड है। इधर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में आप रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। तो अपनी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है ना, उसमें क्या है, बहुत सारी कास्ट को एज अ क्लास बना दिया है, और उस क्लास बनाने की जो पीछे की रीजनिंग है वो ये है कि उनके साथ, मतलब उन कास्ट के साथ, सारियों के साथ बहुत ही ज़्यादा बेकार सोशल बिहेवियर किया गया था, ऐसा मान लो, मान के लो किया ही गया था, ठीक है। तो उन सारी कास्ट को एक कैटेगरी में रख दिया और एक क्लास बना दी, तो एक्चुअली उस क्लास को रिजर्वेशन मिल रहा है, किसी एक स्पेसिफिक कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। और अगर वो सारी की सारी कास्ट एक कैटेगरी में रख के उनको रिजर्वेशन दिया जाता, लेकिन उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं होती, कोई मतलब कुछ एम नहीं होता, क्या अचीव करना चाहते हो? अभी अपन इक्वालिटी अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कास्ट अभी मानो कि नहीं मानो इंडिया में लोअर स्टेटस पे है और कुछ ऊपर के स्टेटस पे है, ठीक है। अब इसमें कुछ गलतियाँ भी हैं कि कोई अगर कास्ट का बंदा ऊपर आ जाता है तो फिर उसका रिजर्वेशन छीन लेंगे क्या? ओबीसी में छीन लेते हैं, एसएसटी में नहीं छीनते, तो ये मेरे को लगता है एक गलत बात है। क्रीमी लेयर सारी कैटेगरीज में होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स। लेकिन रीजनिंग ये है कि उन सबको एक क्लास माना है और उन क्लास को बनाने का एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, तो वो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन में आएगा, क्योंकि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पे क्लास बनाया है। ये सब आर्टिकल 14 में पढ़ा था, अगर आर्टिकल 14 का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आ जाएगा, या वीडियो के बाद देख लेना या अभी देख लो जाके। अभी बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में टोटल 6 क्लॉजेज हैं। फर्स्ट क्लॉज बात करता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी सिटीजन के अगेंस्ट, ध्यान रखना, सिटीजन के अगेंस्ट, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो पांच ग्राउंड्स इसके अंदर में दिए हैं। अब इसमें केस है डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत। डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत में यह हुआ था कि एक इंदौर में मेडिकल कॉलेज था, वो मध्य भारत के स्टूडेंट्स को और दूसरे स्टूडेंट्स को आपस में डिस्क्रिमिनेट कर रहा था। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये ऑन प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे था, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं था। तो कोर्ट ने बोला कि यार यहाँ पे है ना, प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, और ये प्लेस ऑफ रेसिडेंस का जो ग्राउंड है ना, ये पांचों ग्राउंड में दे नहीं रखा, प्लेस ऑफ बर्थ दे रखा है सिर्फ। और प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे डिस्क्रिमिनेशन करना है ना, प्रमोट करता है एजुकेशन को विद इन योर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, एक स्टेट के लोग उसी स्टेट में पढ़ेंगे। तो ये रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन का इंदौर मेडिकल कॉलेज के पास ग्राउंड भी था, तो इसको सही बोला गया कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे आप कर सकते हो डिस्क्रिमिनेट। क्लॉज 2 की बात करें तो लिखा है कि नो सिटीजन शैल ऑन दीज 5 ग्राउंड बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। अब ध्यान रखना, 15 सब क्लॉज 1 में स्टेट की बात हो रही है, सिर्फ अपन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, स्टेट नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकता किसी सिटीजन के अगेंस्ट इन कैटेगरी में। लेकिन सब क्लॉज 2 में आर्टिकल 15 ये जो प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन का, इसका एम्बिट वाइड कर रहा है। ये जो 5 ग्राउंड्स है, इनके बेसिस पे आप कोई डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी या रेस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं कर सकते इन रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, ठीक है, पब्लिक रेस्टोरेंट प्राइवेटली ओन्ड भी होते हैं, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स। ये स्पेशली क्यों लिखा है यहाँ पे, 1947 में जाओ, जो हरिजन होते थे या फिर जिनको लोअर कास्ट मानते थे, उनको वेल्स उनके अलग होते थे, उनके बेदिंग एरियाज अलग होते थे, उनको मेन एरिया में आने नहीं देते थे, मार्केट में आने नहीं देते थे, तो इसलिए ये भी डाला यहाँ पे, वेल्स, टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ये सिर्फ पब्लिक प्लेसेस के लिए, ठीक है, लेकिन ये शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, ये प्राइवेट प्लेसेस के लिए भी हो जाएगा, या फिर कोई जनरल पब्लिक के लिए जगह, तो वहाँ भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया, सिटीजन्स को ही अवेलेबल है ये जो प्रोटेक्शन है ना, 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होता है। क्वेश्चन आ जाता है, याद कर लो, 15, 16, 19, 29, 30, ये फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 बात करता है एक एक्सेप्शन की। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने ना एग्जैक्ट आर्टिकल का वो नहीं लिखा है टेक्स्ट, उसको मैंने छोटा करके थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड वे में लिखा है, तो एक बार डायरेक्ट रेफर कर लेना। मोस्टली तो मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन एक बार डायरेक्ट पढ़ लेना फिर भी ऐसे ही, क्योंकि डायरेक्ट तो पढ़नी चाहिए यार लॉ स्टूडेंट हो तो। तो सब क्लॉज 3 बात करता है एक एक्सेप्शन की। इसमें आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, आप सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन आप सेक्स के बेसिस पे वुमेन को बेनिफिट
बेनिफिट दे सकते हो, समझ रहे हो? आप उनको नीचे नहीं ला सकते, लेकिन आप वुमेन को बेनिफिट दे सकते हो, समझ रहे हो? क्योंकि वुमेन का स्टेटस इक्वल नहीं है ना मेन के अभी सोसाइटी के अंदर, इसीलिए तो पूरा फेमिनिज्म वेमिनिज्म चल रहा है। तो ये वाला एक्सेप्शन सब क्लॉज 3 में दिया है। अब ध्यान रखना कि 1, 2, 3 ये ओरिजिनली आर्टिकल 15 में थे। फिर आया फर्स्ट अमेंडमेंट से सब क्लॉज 4, ठीक है, ये बोलता है कि ये आर्टिकल या 29(2) दोनों ही स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकते कोई स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर एससीज एसटीज। तो ये आ गया अपना रिजर्वेशन पिक्चर के अंदर। अब इसमें एक छोटा सा केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज प्रदीप टंडन, इसमें क्या है रूरल एरिया से जो भी लोग आए थे उनको रिजर्वेशन दे दिया था, तो रूरल एरिया एक कैटेगरी बना दी थी कि रूरल एरिया के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। तो कोर्ट ने बोला कि देखो यहाँ पे लिखा है कि एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन आप ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि जो भी गांव में रह रहा है वो सभी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होंगे। तो ये कोई रीजनेबल क्लास नहीं बनाया है आपने, ये इसमें कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशन नहीं है कि सिर्फ रूरल का है तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होगा ही होगा। तो ये वाला रिजर्वेशन अलाउड नहीं है कि सिर्फ रूरल एरिया के बेसिस पर आप रिजर्वेशन दे दो, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन में बोला गया था। उसके बाद सब क्लॉज 5 आया 93rd अमेंडमेंट में, इसमें बोला गया दिस आर्टिकल और 19(1)(g) कैन नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट, वही ऊपर वाली बात, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर एससी एसटी। ये तो एकदम सेम टू सेम हो गया। इन रिलेशन टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडेड अनएडेड बोथ अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 31 में जो दिया गया, मतलब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अलावा आप रिजर्वेशन पॉलिसी बना सकते हो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रिगार्ड में, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रिगार्ड में भी। ये आया 93rd अमेंडमेंट के अंदर, फर्स्ट अमेंडमेंट में आया सब क्लॉज 4, 93rd अमेंडमेंट में आया सब क्लॉज 5। उसके बाद अभी रिसेंटली आया अपना सब क्लॉज 6 103 अमेंडमेंट से, वो की है EWS रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन, ठीक है, मोदी जी लाए हैं तो लाए होंगे कुछ सोच समझ के। तो ये हो गया आर्टिकल 15 का बेयर टेक्स्ट, ठीक है, पूरा मैंने आपको बता दिया। अब अपन इसके बाद देखेंगे कि क्या पूरी कहानी, क्योंकि देखो एक कहानी तो होती है कॉन्स्टी में, अगर कोर्स मटेरियल ज्यादा है तो मोस्टली कहानी है। कहानी किसकी? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के वीडियो में बताया था, पार्लियामेंट की और सुप्रीम कोर्ट की, इन दोनों की लड़ाई की कहानी पढ़ते अपन मोस्टली, तो अभी भी अपन वही पढ़ेंगे। कहानी की शुरुआत होती है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन से, 1951 का केस है। ध्यान रखना ये केस जब आया था जब आर्टिकल 15 में सिर्फ 3 ही क्लॉज थे, सब क्लॉज 4 जो रिजर्वेशन देता है वो नहीं था। तो हुआ क्या, रिजर्वेशन दे दिया गया सब क्लॉज 4 आने से पहले ही, और इशू उठ गया कि आप कैसे दे सकते हो रिजर्वेशन, कॉन्फ्लिक्ट हो गया आर्टिकल 15, आर्टिकल 29(2) और आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 46 DPSP का आर्टिकल है, तो इक्वालिटी चाहिए फंडामेंटल राइट के हिसाब से, लेकिन DPSP बोल रही है कि इंटरेस्ट प्रमोट करो जो वीकर सेक्शन है उनका, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि इंटरेस्ट प्रमोट करो या इक्वालिटी दो, क्योंकि इंटरेस्ट प्रमोट करोगे तो फिर इक्वालिटी नहीं रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो फंडामेंटल राइट और DPSP में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा ना तो फंडामेंटल राइट हमेशा प्रिवेल करेंगे, और DPSP को एज अ सप्लीमेंट काम करना है फंडामेंटल राइट्स के। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकती DPSP को एनफोर्स कराने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट ने बोला क्या नहीं कर सकते, क्या 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 बोल रहे हो सर, नहीं कर सकते, कर दिया। लो फर्स्ट अमेंडमेंट लिया है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने बोला कि देखो चंपाकम दोराईराजन के रिस्पांस में लाए हैं, लेकिन पता ही है एज अ रिस्पांस टू चंपाकम दोराईराजन ही आया था, तो एज अ रिस्पांस टू चंपाकम केस पार्लियामेंट एडेड आर्टिकल 15(4) और अब ऑफिशियली आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बना सकते हो रिजर्वेशन की पॉलिसी। तो ये हो गई फाइट, चंपाकम दोराईराजन ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं कर सकते, पार्लियामेंट ने करके दिखा दिया, बोले हम कर सकते हैं। उसके बाद अगला केस आया MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में इशू ये हुआ कि जब सब क्लॉज 4 ऐड किया गया 15 में, रिजर्वेशन की पावर दे दी गई, तो मैसूर गवर्नमेंट ने 15(4) के अंडर में रिजर्व कर दी सीट और क्लासेस बना दी ऐसी बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब बैकवर्ड में भी और बैकवर्ड की एक और क्लास बना दी एससी एसटी के अलावा जो कैटेगरीज थी ना उनमें। और गवर्नमेंट ने जो ये बैकवर्ड क्लासेस बनाई ये कास्ट और कम्युनिटी के बेसिस पे बना दी। तो कोर्ट ने बोला कि देखो पहली बात तो आप फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते बैकवर्ड क्लासेस को, बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड में नहीं कर सकते आर्टिकल 15(4) के अंडर में, और 15(4) के अंडर में बैकवर्डनेस सोशल और एजुकेशनल दोनों होनी चाहिए। कोर्ट ने बोला कि कास्ट प्ले करती है, सोशल सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें कास्ट एक रोल प्ले करती है, लेकिन कास्ट इकलौता क्राइटेरिया नहीं हो सकती बैकवर्डनेस डिटरमाइन करने का। और इस केस में एक और चीज़ कर दी, कोर्ट ने कैप कर दिया मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% तक, क्योंकि इससे ज़्यादा हो रहा होगा तो इन्होंने बोला 50% अप टू
आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते क्योंकि फिर दूसरे लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा ना यार। आप 80% रिजर्वेशन कर दोगे तो जनरल वाले कहाँ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रेलिवेंट केस आया वो आया इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे अरे सर मंडल कमीशन खा गए आप, ये खा गए वो खा गए, कुछ नहीं खाया, आर्टिकल 16 में डिस्कस करेंगे वो सब, इधर जो रेलिवेंट है वो इधर डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आर्टिकल 16 के वीडियो में करेंगे मंडल कमीशन भी डिस्कस। तो इंदिरा सोनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में 50% का जो रिजर्वेशन का कैप एम आर बालाजी में दिया था वो इन्होंने अपेल्ड करा। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि इकोनॉमिक रीजन सोल रीजन नहीं हो सकता बैकवर्डनेस का, लेकिन इन्होंने ओवर रूल करा एम आर बालाजी केस को एक रिगार्ड में। इन्होंने बोला कि बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लास का जो डिस्टिंक्शन है ना वो जरूरी है, वरना जो थोड़े से एडवांस है ना बैकवर्ड में वो सारी सीट खा जाएंगे और जो ज्यादा बैकवर्ड है उनको कभी सीट्स मिलेंगी नहीं। तो अब इसमें थोड़ी पॉलिटिकल बात करूंगा, आप बोलोगे सर पॉलिटिकल बात क्यों कर रहे हो, मैं क्योंकि कर रहा हूं, मेरा चैनल है, मेरी मर्जी कर रहा हूं। अब आप देखो अगर कोई IAS है, ठीक है, SC ST में कोई IAS है तो वो अब बैकवर्ड नहीं रहा, तो उसके बेटे को बेटी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। कोई IAS या फिर कोई डॉक्टर या कोई बहुत ही अच्छी पोस्ट पे या कोई बहुत ही रईस SC ST है तो उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए ना रिजर्वेशन, क्योंकि OBC में भी नहीं मिलता, क्रीमी लेयर में एक मिनिमम इनकम से ज़्यादा होती है, गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जैसे मैं यादव हूँ, मैं OBC हूँ, मेरे को नहीं मिलता रिजर्वेशन, मेरे पापा डॉक्टर हैं, नहीं मिलता। अरे क्यों मिलना चाहिए भाई, अच्छे खासे स्कूल में गया हूँ, इंग्लिश मीडियम में गया हूँ, है ना, तो नहीं मिलता। ऐसे SC ST में भी नहीं मिलेगा ना, तो फ़ायदा होगा किनको, गरीब SC ST को फ़ायदा होगा। लेकिन क्या ये अपना इंडिया में पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है ना कि ये जैसे ही क्रीमी लेयर लाने की बात करेंगे ना SC ST में राइट्स हो जाएंगे, और राइट्स में सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा दंगे और सबसे ज़्यादा मतलब एक्टिव बताऊँ कौन लोग रहेंगे, वो गरीब लोग जिनको एक्चुअली इस क्रीमी लेयर से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन प्रोपागेंडा फैला देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं कि अरे अरे तुम्हारा हक छीन रहे हैं ये वो, तो फिर वो कभी हो ही नहीं पाता, कोई गवर्नमेंट में दम ही नहीं है ऐसा डिसीजन लेने का, तो लेती ही नहीं है क्योंकि उनको पता हार जाएंगे अगले इलेक्शन। तो ये एक दिक्कत है, पॉलिटिकल बात थी, लेकिन जो है देखो अपन ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट बातें करते नहीं, जो सच है जो सच है। तो इसके बाद हाँ इंदिरा सोनी पे आते हैं, तो इंदिरा सोनी में ये भी बोला कि अपने को प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन नहीं चाहिए, अपने को ये नहीं चाहिए कि एकदम एक्चुअल जितनी पॉपुलेशन है जिस कास्ट की उतने ही रिजर्वेशन मिले, लेकिन कम से कम एडुकेट रिजर्वेशन तो होना चाहिए, ठीक है। अगर 50% SC ST हैं तो कम से कम 25% तो रिजर्वेशन उनका होना चाहिए, तो लेजिटिमेट बात है, ये भी इसमें बोला गया। और इंदिरा सोनी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया गया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को ऐसे समझो, जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है ना वो होता है अपना SC ST, ठीक है, या फिर जो भी अपने दूसरी कैटेगरीज को दे रहे हैं, जैसे ये वर्टिकल कॉलम्स बना दिए अपन ने, ठीक है, ये SC's का हो गया, ये ST's का हो गया, ये OBC का हो गया, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ना इसमें अपन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देते हैं वुमेन्स को, ट्रांसजेंडर को, ठीक है, वेटरन्स को या डिसेबल्ड को। जैसे मान लो 100 सीट्स हैं, ठीक है, 100 में से मान लो 17 SC की हैं, ठीक है, और 12 ST की हैं और 20 OBC की हैं, तो और बाकी की बची हुई जनरल की हैं। तो इधर जो रिजर्वेशन होगा ना हॉरिजॉन्टल वाला, तो वो वर्टिकल कैटेगरीज में होगा, मतलब इन 17 सीट्स में से कुछ प्रोपोर्शन वुमेन के लिए रिजर्व होगा, इन 12 सीट्स में से कुछ प्रोपोर्शन वुमेन के लिए रिजर्व होगा, या फिर ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व होगा, या जो भी रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल चल रहा हो, और इन OBC में से भी कुछ वुमेन के लिए, कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व होगा, और जो भी दूसरी कैटेगरीज हैं। तो ये हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन, जो SC ST OBC जनरल को तो मिल ही नहीं रहा, इनको दे रहे हैं। और फिर उसके बाद इन वर्टिकल कैटेगरीज में जो अपन रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का समझ गए, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बता देना, इंदिरा सोनी में आता है कॉन्सेप्ट। तो जब रिजर्वेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन देते हैं अपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आर्टिकल 15 के अंडर में, तो अब अपन बात करते हैं रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं, 93rd अमेंडमेंट में आ गया। लेकिन उससे पहले का क्या सीन था, उससे पहले का ये सीन था कि जब बात उठी, पूरा इशू उठा कि भाई कितनी पावर है स्टेट के पास ओवर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो पहला केस आया TMI-5 फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 में। इसमें बोला गया कि स्टेट रिजर्वेशन नहीं दे सकता प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन सिर्फ कॉमन एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे हो सकते हैं या बेसिस ऑफ मेरिट पे हो सकते हैं, रिजर्वेशन पे नहीं हो सकते। उसके बाद अगला केस आया इस्लामिक अकेडमी स्टेट ऑफ केरला 2003 में ही। इसमें बोला गया कि स्टेट कोटा फिक्स कर सकता है एडमिशन का, लेकिन फीस फिक्स नहीं कर सकता, एडमिशन ऑन बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट होंगे या मेरिट पे होंगे, लेकिन कोटा फिक्स कर सकता है। उसके बाद तीसरा केस है PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 में। इसमें इस्लामिक सोसाइटी वाला जो केस था इसको ओवर रूल कर दिया, और ये TMI-5 वाली केस वाली बात ही वापस बोल दी गई कि नहीं स्टेट को अलाउ कर सकते रिजर्वेशन बनाने के लिए फॉर सीट्स इन एडमिशन फॉर प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये तीन केस थे रिगार्डिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो पूरा डिस्प्यूट चल रहा था।
तो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का पूरा डिबेट चल रहा था, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए निकाल लिया 93rd अमेंडमेंट। तो ये इसीलिए निकाला था कि भाई इतने केस वेस आ रहे थे, तो इन्होंने क्लॉज 5 डाल दिया। क्लॉज 5 स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बनाने की पावर देता है क्लॉज 4 के जैसे ही, लेकिन क्लॉज 5 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे भी लगता है एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो आर्टिकल 31 में है। तो 31 मतलब 30 सब क्लॉज 1। तो 93rd अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। तो इसमें पूछा गया कि भाई एडिशन ऑफ आर्टिकल 15(5) वो क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि आप प्राइवेट लोगों के राइट छीन रहे हो उन पर रिजर्वेशन थोप के और ये सब करके, और वेदर एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, क्योंकि आप एक को तो प्रिविलेज दे रहे हो स्पेशल, वो माइनॉरिटी है इसलिए, और ये दूसरों को नहीं दे रहे। तो जो पहला इशू था वो तो कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का कोई वायलेशन नहीं है इधर, लेकिन सिर्फ एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिगार्ड में क्वेश्चन कि भाई अनएडेड प्राइवेट अनएडेड जो इंस्टीट्यूशन है उन पे क्या होगा इसका सीन, उसको ओपन छोड़ दिया गया दूसरे केस के लिए। और इन रिलेशन टू द सेकंड इशू कोर्ट ने बोला कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो अपने आप में एक सेपरेट क्लास है और उनका जो राइट है वो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन खुद, तो ऐसा कुछ इधर आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हुआ है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही उनको प्रोटेक्ट करता है। तो गाइज ये थी आर्टिकल 15 की कहानी। अब आर्टिकल 15 की कहानी एकदम डिटेल में पढ़नी है ना तो ये मैं 3 घंटे का वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे रेलेवेंट था, मैंने डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश करी और मेरे हिसाब से काफ़ी डिटेल है। अगर क्वेश्चन आ जाता आर्टिकल 15 का मेंस में भी, ऑब्जेक्टिव में छोड़ो मेंस में भी आ जाता तो आप अच्छा खासा आंसर लिख सकते हो। तो गाइज जाओ मत। अगर अच्छे लगे वीडियो तो सबसे पहली बात तो जैसा कि मैं बताता हूँ प्लेलिस्ट, एक तो ये लिखने में बड़ा जोर आता है पेन से, प्लेलिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। और मेरे जो पेड कोर्स है अभी तो एक ही है लेकिन फ्यूचर में और होंगे, ये जो भी पेड लिखा है ठीक है वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो कर लेना। नहीं भी करोगे तो वीडियो तो फ्री है, वीडियो देखो मस्त रहो, कॉलेज के एग्जाम है तो वीडियो मोर देन इनफ है, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। बाकी वही प्रोटोकॉल, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट मारो, वो तो कर ही दिया करो यार, तुम्हारा क्या जाता है ठीक है, घर का आटा थोड़ी ना कम हो जाता है लाइक करने से, तो मार दिया करो लाइक।